नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों हम जानने वाले हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार। दोस्तों हाल ही में हमने अपने चैनल पर डैशबोर्ड पर जो पोल जारी किया था उसके अंदर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया गया था, जिनमें से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आखिरकार और हमने पिछले वीडियो की जो कमेंट्स आई थी, आप लोगों ने जो कमेंट की थी और अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट किया था, उस पार्टी को लेकर हमने जो कमेंट्स पढ़ी हैं और उन्हीं के बारे में भी हम जानने वाले हैं कि आखिरकार किस पार्टी को कितने प्रतिशत कमेंट मिली है और ज्यादा कमेंट किस पार्टी को मिली है। दोस्तों यहाँ पर 228 सीटों में से महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना या फिर एनसीपी या फिर कांग्रेस पार्टी। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर चारों पार्टियां बड़ी जोरों शोर से जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो काफी चारों पार्टियों का आगाज है और यहाँ पर चारों पार्टियों के अंदर कौन सी सरकार बना सकती है इसके बारे में हम जानने वाले हैं और जनता का मूड पहचानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का साइड में छोटा सा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर प्राप्त होती रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं बल्कि आपको आने वाले अपडेट मुफ्त में प्राप्त होंगे। दोस्तों वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपनी मनपसंद पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी या फिर कांग्रेस पार्टी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक शानदार कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों जानते हैं पूरा अपडेट क्या है 228 सीटों के बारे में, तो जानते शुरुआत करेंगे हम अहमदनगर की बात के लिए। दोस्तों यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 5 सीटें हासिल करेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर एनसीपी को 3 सीटें मिलेगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलेगी और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अकोला की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 5 में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना भी बराबर 2 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर एनसीपी को 0 सीट मिलेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट हासिल करेगी और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को सिर्फ 2 सीटें मिल पा रही हैं और यहाँ पर एनसीपी को 1, तो यहाँ पर कांग्रेस भी 2 सीटें हासिल कर रही है, जबकि अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 25 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, 25 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 7 विधानसभा सीटें हासिल कर चुका है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को 9 सीटें मिल रही है, यहाँ पर एनसीपी को 4 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल पाई है और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। सर दोस्तों अगले जिले के बारे में बात करें, दोस्तों यहाँ पर औरंगाबाद के दोस्तों यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें, यहाँ पर एनसीपी भी 2 सीटें, यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर भंडारा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 6 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 0 सीट, जबकि एनसीपी खाते में 0 सीट है और यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सीटें 4 सीटें मिल सकती है। भंडारा की बात करें दोस्तों यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट, जबकि यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट मिल पा रही है, यहाँ पर एनसीपी को 1 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीट मिलेगी और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के हम 43 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी खत्म में 13 विधानसभा सीटें जा चुकी हैं, जबकि यहाँ पर शिवसेना को 15 सीटें मिल रही है, जबकि एनसीपी को यहाँ पर 7, कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुलडाना की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में आप सभी को बताते हैं यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 3 सीटें हासिल कर सकती है, यहाँ पर एनसीपी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से यहाँ पर बीजेपी 1 सीट हासिल कर पा सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 3 सीटें अपने कब्जे में कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, जबकि अदर पार्टी खाते में 0 सीट मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर धूल की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी जो कि यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पर शिवसेना भी 2 सीटें हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर एनसीपी को 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का मौका मिल सकता है, पर दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। सर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के 61 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 18 सीटें जा सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ शिवसेना को 23 सीटें मिल सकती है, एनसीपी को यहाँ पर 9 सीटें मिलेगी, जबकि दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें, यहाँ पर गढ़चिरौली के यहाँ पर 3 सीटों में से हम यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना 2 सीटें का हासिल कर रही है, पर दोस्तों यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट का फासला है। साथ दोस्तों यहाँ पर गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना 2-2 सीटों का बंटवारा कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस को 0-0 सीट का मौका मिल सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट का मौका मिलता है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना भी 1 सीट अपने कब्जे में कर सकती है, एनसीपी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट हासिल कर सकती है, अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। महाराष्ट्र के दोस्तों यहाँ पर 71 विधानसभा सीटें, 71 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 22 विधानसभा सीटें जा सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को यहाँ पर 28 सीटें मिल सकती है, एनसीपी को यहाँ पर 9 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 12 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। साथ दोस्तों इसी साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें, यहाँ पर जलगांव की दोस्तों यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें और 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, एनसीपी को 2 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खत्म 0 सीट।
सीटें हैं, पर तो यहाँ पर जलाना की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर शिवसेना को 2 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो अदर खत्म में 0 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें और 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खत्म में 4 विधानसभा सीटों को बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटें, एनसीपी को भी 2 सीटें मिल सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी खत्म में 0 सीटें। साथ दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 97 सीटों में से बीजेपी खत्म में 31 सीटें, शिवसेना खत्म में 36, तो यहाँ पर एनसीपी खत्म में 13 और कांग्रेस खत्म में 17 सीटें हैं, तो अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो लातूर की 6 विधानसभा सीटों से बीजेपी खत्म 2 सीटें, जबकि कांग्रेस खत्म में 0 सीट, एनसीपी खत्म में 3 सीटें, शिवसेना खत्म में 1 सीट और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म 2 विधानसभा सीटें, जबकि शिवसेना खत्म 6 सीटें, एनसीपी खत्म 0, तो यहाँ पर कांग्रेस खत्म 1 सीट, तो अदर पार्टी खत्म में भी 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मांद्रा की 26 विधानसभा सीटें हैं, 26 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खत्म 7 सीटें जा सकती है, शिवसेना खत्म 13, एनसीपी खत्म 2, यहाँ पर कांग्रेस खत्म 4 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। महाराष्ट्र की 139 सीटों से बीजेपी को 42, शिवसेना को 56, एनसीपी को 18, कांग्रेस को 22 और अदर पार्टी खत्म 1 सीट का बहुमत है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, शिवसेना को 5, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 2 और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नांदेड़ की 9 सीटों से बीजेपी को 3, शिवसेना को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 2 और अदर पार्टी खत्म 2 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर नंदुरबार की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें शिवसेना हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों बाकी पार्टी को 0 सीट है। महाराष्ट्र की 164 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 50, शिवसेना को 67, एनसीपी को 20, कांग्रेस को 26 और अदर पार्टी खत्म 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नासिक की 15 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, तो शिवसेना को 7 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खत्म 2 सीटें, तो शिवसेना खत्म 1 सीट है, एनसीपी खत्म 0, तो कांग्रेस खत्म 1 और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पालघर की 26 विधानसभा 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खत्म 4, शिवसेना खत्म 0, एनसीपी खत्म 0, तो यहाँ पर कांग्रेस खत्म 2 सीटें हैं, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 189 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 57, शिवसेना खत्म 75, एनसीपी खाते में 22, कांग्रेस खाते में 32 और अदर खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बानी की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट, शिवसेना खत्म 2 सीटें हैं, एनसीपी खाते में 0, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पुणे की 21 सीटों में से बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 13, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 221 सीटों से बीजेपी खाते में 66, शिवसेना खाते में 92, एनसीपी खाते में 24, कांग्रेस खाते में 35 और अदर खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रत्नगिरी की 5 सीटों से बीजेपी खाते में 1, शिवसेना को 1, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सांगली की 8 सीटों से यहाँ पर बीजेपी को 2, तो शिवसेना को 3 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 2, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सतारा की 8 सीटों से बीजेपी खाते में 2, यहाँ पर शिवसेना खाते में 5, एनसीपी खाते में 0, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 242 सीटों से बीजेपी खाते में 71, शिवसेना को 101 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 29, यहाँ पर कांग्रेस को 37 सीटें मिल रही है, अदर खाते में 4 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्धा की 4 सीटों से यहाँ पर बीजेपी को 2, तो शिवसेना को 2 सीटें मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बाकी पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ दोस्तों यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, शिवसेना को 0, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सोलापुर की 11 सीटों से बीजेपी खाते में 3, शिवसेना को 0, एनसीपी खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 5 सीटें हैं, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 260 सीटों में से बीजेपी खाते में 77, शिवसेना खाते में 103, एनसीपी खाते में 34, कांग्रेस खाते में 42 और अदर खाते में 4 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाण की 18 सीटों में से बीजेपी को 0, शिवसेना को 2, एनसीपी को 12, कांग्रेस को 4 और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वानसी में 3 सीटों में से बीजेपी को 2, शिवसेना को 0, एनसीपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वतनमाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 0, शिवसेना को 3, एनसीपी को 3 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है, जबकि अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लास्ट 283 सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं और लास्ट सीटों में से दोस्तों महाराष्ट्र की बीजेपी को 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों शिवसेना को यहाँ पर 108 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 49 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 48 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खत्म 4 सीटें। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जीत का फासला यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक अभी तक तो शिवसेना के खामे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट का अगला वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है।